फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो BS6 गाड़ी का ये 1918C टाटा कमिंस का गाड़ी है और इसका जो डैशबोर्ड वायरिंग हम उतारा तो इसी का कनेक्शन हम दिखा रहा है सिर्फ। तो ये कॉम्बिनेशन स्विच में दोनों कपलर लगता है, ये स्टेयरिंग का स्टेयरिंग है और इसका उसके बाद अब इग्निशन स्विच से निकल गया और इसके बाद ये दोनों मीटर बोर्ड का कपलर हो गया। फ्रेंड्स ये 1918C ये 6 चक्का गाड़ी है, इसका वायरिंग सिर्फ बेसिक लेआउट जो है वो हम दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इसके बाद आप देख सकते हो ये जो एक्सीलेटर का जो वायर रहता है, तो ये एक्सीलेटर और एक्सीलेटर ये एक्सीडेंट गाड़ी है इसीलिए इसका जो वायर है वायर टूट गया फ्रेंड्स। अब देख सकते हो इसमें एक्सीलेटर हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो बहुत सारा कपलर है, तो ये जो है डैशबोर्ड का स्विच लगा रहता है राइट साइड में। तो फ्रेंड्स ये डैशबोर्ड स्विच इसमें जो लगा रहता है हेवी मोड, लाइट मोड, मीडियम मोड स्विच, उसके बाद एग्जस्ट ब्रेक का, उसके बाद इमरजेंसी स्विच, चाहे जो चेक इंजन लैंप, ऐसा बहुत सारा स्विच लगा रहता है फ्रेंड्स। तो और बहुत सारा कपलर भी खाली रहता है। तो ये जो है डैशबोर्ड स्विच का वायरिंग जो कपलर है और इसका जो ये बोले तो हैजर स्विच लगा रहता है इसमें भी, लिफ्ट एक्सेल। तो ये जो 6 चक्का है तो ये 6 चक्का में लिफ्ट एक्सेल का नहीं रहेगा। तो ये हो गया डैशबोर्ड स्विच का वायरिंग, ये ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देख लेंगे एक के बाद एक। तो ये आप देख सकते हो ये जो वायरिंग है आप सिंगल वाला ये राइट साइड में जो ड्राइवर साइड में ये हेडलाइट और एयर प्रेशर स्विच जो मीटर में एयर शो होता है और ब्रेक का जो वायर जो उसमें जाता है। तो ये हो गया राइट साइड में। और उसके बाद आप देख सकते हो ये GPS लोकेशन ट्रैकर जो है, लोकेशन ट्रैकर ये ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड के नीचे ये लगा रहता है फ्रेंड्स, हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो वायरिंग है ये वायरिंग नीचे उतर गया जो राइट साइड रेडिएटर का जो राइट साइड है ड्राइवर के पास में, तो ये टेल लैंप पे चला गया। उसके बाद ये आप देख सकते हो जो फ्यूज बॉक्स हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हो ये जो है ब्लोअर मोटर, तो ये ब्लोअर मोटर को भी खोला और इसका जो कनेक्शन आप देख सकते हो ये वायरिंग लगेगा। तो ये ब्लोअर मोटर का वायरिंग कनेक्शन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो कनेक्शन है अंदर का कनेक्शन है और ये आप देख सकते हो ये दोनों मेन वायरिंग है। तो इसमें जो रेडिएटर के बाएं तरफ ये लगता है, तो ये चला गया नीचे तरफ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा कपलर है, तो इसमें अर्पस रिवर्स पार्किंग एसी सिस्टम, इसमें जो ABS है ABS कपलर भी है, DC-DC कन्वर्टर का भी कपलर है। तो इसका पहले हम देख लेते हैं जो DC-DC कन्वर्टर जो है DC-DC कन्वर्टर का कपलर, अच्छे से हम DC-DC कन्वर्टर को लेके भी दिखा देते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताना। और ये सिर्फ बेसिक लेआउट डायग्राम है, ये सिर्फ डैशबोर्ड का ऊपर ये वायरिंग डायग्राम दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स ये हो गया DC-DC कन्वर्टर, ये DC-DC कन्वर्टर हो गया इसका वायरिंग। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो वायरिंग वायर है कैन वायर है, तो ये टर्मिनेटिंग रेजिस्टर दोनों लगा रहता है इसमें, दो मिल जो येलो और ग्रीन कलर का वायर है इसमें दोनों मिला के 5 वोल्ट रहता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो कपलर रहता है ABS का जो कपलर है वो हम पहले देख लेते हैं। ये तो VECU का कपलर है पहले ABS का, ये आप देख सकते हो ये ABS का बॉक्स है, इसको ढक्कन को हटा देते हैं
तो ये आप देख सकते हो टाटा मोटर ओइक को। तो ये एबीएस का ब्रेक ईसीएम है, एबीएस का कंट्रोल मॉडल है। ओके, तो ये लग गया एबीएस का दोनों कपलर, आप देख सकते हो हो गया। उसके बाद हम जो बीसीएम बॉडी कंट्रोल मॉडल चाहे बीसीयू जो व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो इसमें दिखाएंगे, ये बीसीयू का कपलर दोनों हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो ये बीसीयू हो गया, तो ये चला गया बाएं तरफ जो हेल्पर टू ड्राइवर टू जो है उसमें उसके सामने रहता है। तो ये बीसीयू का कपलर हो गया। उसके बाद बाकी सब जो चला जाता है ये 10 नंबर का ग्राउंड है एक वायर, और ये जो है वीपर मोटर का जो वायरिंग है। ओके, उसके बाद नीचे सब चला गया, ये सब चला गया तुम्हारा जो हेडलाइट पार्किंग ऐसा नीचे तरफ चला गया। तो फ्रेंड्स ये जो हो गया ये कंप्लीट जो बेसिक लेआउट डायग्राम डैशबोर्ड का ये दिखा दिया फ्रेंड्स। ये टाटा 1918C BS6 कमिंस का ये वायरिंग है डैशबोर्ड का। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे नया नया जानकारी हम लाते रहेंगे। और BS6 का टैपिट वीडियो भी डालेंगे कल।